आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पहले कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम तो 75 सीटें ला रहे हैं, लेकिन अचानक आप इसे गठबंधन की चर्चाएं चलने लगी। अब भैया यहां पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछते हैं आखिर ये गठबंधन क्यों किया जा रहा है, गठबंधन करने की जरूरत क्या थी। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम सर? बेगराज देवतिया। देवतिया जी, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? भैया ये कहते हैं हम, कांग्रेस है जो ये सहारा ले रही है, ये किसी का सहारा ले ले, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 12 सीट के बीच में लेगी। ये अपना सिर्फ टेम को पास कर रही है, इसके पास है नहीं कुछ भी। आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन हो रहा है उससे फायदा नहीं होगा? फायदा नहीं और नुकसान होगा इसका। कोई ये आम आदमी से नहीं, किसी पार्टी से भी कर ले, इसे सफलता नहीं मिलनी। अच्छा जी। क्योंकि इसका जो हरियाणा हमारा प्रांत है वो जाना हुआ है, इनके इनके हर एक बात से वारफित है। हरियाणा के लिए कोई इनके लिए वो नहीं है कैसे भी विश्वास। अब देखो जो ये इन्होंने इलेक्शन में पिछले में लोकसभा में जो इन्होंने घोषणा की है, कितनी हमारी महिलाएं हैं जो अपने कागज को लेकर घूम रही हैं, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें 4-4 दिन तो खाना मिले, पानी नहीं मिल रहा, और इससे बड़ी इसकी क्या वो होगी गंदी सोच। जब ये हमारी जनता को गुमराह कर रही है, हमारी जनता को गुमराह कर रही है, क्या जनता हमारी जान नहीं रही? ऐसे हरियाणा में भी ये पीछे ही रहेगी और सदा पीछे ही रहेगी। पीछे रहेंगे। हाँ। तो सर आप बताइए जो गठबंधन हो रहा है कांग्रेस का क्यों हो रहा है ये बताइए। डरे हुए है रे जी। डर गए? हाँ, भय बन रही है उनके। अच्छा जी। लोग दलते हम जीत रहे, आप दिख रही है सारी बात की, तो अकेले नहीं लड़ पाएंगे भाई जी? अकेले को ताकत ही न हो। अच्छा जी। ताकत इनकी छिन की हमने लगा लो। अच्छा जी, कमजोर हो गई? कमजोर है जी। अच्छा जी। का कहना है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, यही वजह है कि गठबंधन किया जा रहा है। क्या नाम सर? हरपाल सिंह। हरपाल जी कहाँ? हाँ। के हैं? सागरपुर से हैं। सागरपुर। हाँ। जो कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है आम आदमी पार्टी से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है बताइए? इसकी जरूरत इसलिए है, कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी हो चुकी है और इसके जो वादे हैं सब झूठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कांग्रेस कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। अच्छा, इस वजह से गठबंधन हो रहा है? गठबंधन है रहा, वो सहारे का वो ले रहे हैं, अब सहारा ढूंढ रहे हैं और वो भी मिल नहीं रहा। बिल्कुल जी। तो कह रहे हैं सीधा सीधा कि कांग्रेस अब सहारा ढूंढ रही है और यही वजह है कि गठबंधन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, इन्हें अन्यों का सहारा भी ना मिल पाएगा, और ये सभी को पता है कि हुड्डा भ्रष्टाचार घोषित किया जा चुका है, कितने किसानों को लुटा है ये तो सभी के सामने आ चुकी है, और चोर चोर मचेरे भाई ये वाली कहानी हो रही है। जो कह रहे थे कांग्रेस की हवा है, हवा भी लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। गाँव में कहीं भी जाके देख लो, हर जगह बीजेपी का ही नारा है और बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है अपनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं भैया जो गठबंधन हो रहा है उस पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस कमजोर लग रही है। हाँ भैया क्या कहते हैं? कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है और जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है, वो आम आदमी पार्टी अगर इतनी ठीक होती तो हमारे हरियाणा में आम आदमी की एक भी सीट नहीं आई। बिल्कुल। तो इस वजह से बीजेपी सरकार बनेगी और 100% बीजेपी सरकार हरियाणा से बन के जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल कमजोरी अपनी साफ दिखा रही है, दूसरों से गठबंधन कर रही है। पहले कहती थी हम 75 पार करेंगे, अब दूसरे से गठबंधन, उनका पूरे प्रदेश में पता चल चुका है कि ये कमजोरी में है। आपका क्या कहना है सर? नाम बताइए। नाम? शमशेर सिंह डागर। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या? कांग्रेस आसपास भी नहीं है, दिक्कत यही है जब वो सहारा ढूंढ रही है जगह जगह, पान तुनके का सहारा वो भी नहीं मिलेगा उसे, कहीं हो तो मिलेगा, किस कारण से आएगी? मोदी सरकार अपने आप में एक वजूद है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है हमारे यहाँ। वजूद नहीं है, कमजोर है, सबका यही कहना। आपका क्या कहना है? बस यही कहना है कि कांग्रेस कमजोर है। आप भैया? भैया बौखलाई हुई है। अच्छा, करती नहीं तो एक दूसरे का गठबंधन नहीं मांगती, क्यों आप पार्टी से? क्या है आप पार्टी में? वो इकट्ठा कर रही है, ढूंढ रही है अपने अपने वो चीजें, कोई नहीं है, दौरे कर भी नहीं आएगी कांग्रेस, भूल जाओ। बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी आगे तक। देख सकते हैं सबका यही कहना है कि कांग्रेस डर रही है। अभी देखो बहुत सारे लोग हैं भैया, अब ये बताइए कौन कौन कह रहा है कि कांग्रेस डर रही है, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, डर रही है कांग्रेस? कह रहे हैं भैया कांग्रेस डर रही है, इस वजह से आपसे अलायंस हो रहा है, आम आदमी पार्टी से इसी वजह से अलायंस हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।